दुनिया के आगे झोली पसारे खड़े पाकिस्तान की झोली में जितने डॉलर आए थे वे सब खत्म हो चुके हैं और अब केवल बामुश्किल से दो हफ्तों के आयात के लिए ही उसके पास पैसा बचा है। यानी पाकिस्तान के खजाने की जय बुलने में अधिक देर नहीं है। कल भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच अटारी में हुई तीसरे दौर की वार्ता के बाद पाकिस्तान ने इशारों में बता दिया कि उसे दुनिया बेवजह में भिखारी नहीं कहती है, वह हकीकत में इस सदी का सबसे बड़ा भिखारी है जिसे अपने जन्मजात शत्रु से भी भीख मांगने में कोई गुरेज नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसे भारत से करतारपुर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से $20 का सर्विस चार्ज चाहिए, मतलब यह भारतीय रुपए में 1400 रुपए बैठते हैं जबकि पाकिस्तानी मुद्रा में 3200 रुपए के लगभग है। यानी पाकिस्तान करतारपुर गलियारे के नाम पर अपने भीख के कटोरे को अभी से धो मांज रहा है। इसे ऐसा लगता है कि इससे उसकी दुकान चल निकलेगी और यह अपने लिए नए तहमतों की व्यवस्था कर लेगा। पर कमाल की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया है और इसका संकेत भी दिया है कि आस्था के नाम पर भारत उसकी इस भीख प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहता। जिन्हें पाकिस्तान की $20 की भीख मामूली लगती है उन्हें इसके आंकड़ों को भी समझना जरूरी है। यहां यह भी जान लेना चाहिए कि भारत के लिए तो $20 की यह रकम मामूली है मगर इसी करतारपुर कॉरिडोर से कैसे पाकिस्तान अरबों डॉलर में खेल सकता है। पाकिस्तान ने करतारपुर में गुरु नानक देव जी के निवास स्थान पर बने गुरुद्वारे के दर्शनों के लिए प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी है। यानी पाकिस्तान को यदि $20 की भीख हर श्रद्धालु से मिलती है तो उसे $1,00,000 की आय होती है, यानी 1,60,00,000 पाकिस्तानी रुपए प्रतिदिन उसके खजाने में जमा होते हैं, मतलब सालाना 5.5 अरब रुपए से ज्यादा की आमदनी पाकिस्तान करतारपुर गलियारे से कर सकता है। पर मामला यहां तक नहीं है, पाकिस्तान की प्लानिंग तो इससे भी बड़ी है। पाकिस्तान गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे के आसपास बड़ा बाजार बनाने की दिशा में काम कर रहा है जहां प्रतिदिन कई करोड़ का सामान भारत श्रद्धालुओं को बेचा जा सकेगा जिसमें धार्मिक प्रतीक चिन्ह और अन्य सामग्री उपलब्ध होगी। पाकिस्तान को आभास है भारत एक बड़ा बाजार और खरीदार दोनों है, जहां जितना बनता है उससे ज्यादा बिक जाता है, इसलिए वह प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे के दर्शनों के लिए अनुमति दे रहा है। भारतीय की दृष्टि में यह एक आस्था है परंतु पाकिस्तान की नजर में एक व्यापार जिसे वह करतारपुर कॉरिडोर के रूप में स्थापित कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि करतारपुर गुरुद्वारे में सिख समुदाय और मुसलमान दोनों समान रूप से सेवा करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी मुसलमानों ने इस पर एक प्रकार से अधिकार कर लिया है। पाकिस्तान इसी कॉरिडोर के माध्यम से अपनी भिखारी और कंगाल जनता को भी बहुत कुछ देने जा रहा है। सिख समुदाय में भीख मांगना सबसे बड़ा पाप समझा जाता है, इसलिए आसानी से कोई सिख भीख मांगता दिखाई नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम भीख मांगना अपना सम्मान समझती है। इसीलिए पाकिस्तानी प्रशासन करतारपुर कॉरिडोर तक पाकिस्तानी भिखारियों को भीख मांगने की अनुमति दे चुका है। पाकिस्तान के भूखे और गरीब लोग मुल्क के विभिन्न हिस्सों से आकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं से बाकायदा भीख मांग सकेंगे। पाकिस्तान इसके लिए उन्हें परमिट भी जारी करेगा। ऐसा अनुमान है कि इस पवित्र स्थान पर लगभग 3,000 से 5,000 भिखारी भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान का अनुमान है इनमें से प्रत्येक भिखारी कम से कम 800 से 1,000 रुपए की आमदनी कर सकेगा। मतलब साफ है भारत के जो लोग अभी तक करतारपुर गलियारे को हल्के में ले रहे हैं वे इसके पीछे पाकिस्तान के निर्मित होने वाले बाजार से वाकिफ नहीं है। वैसे मेरे जैसे साधारण व्यक्तियों को इसका अंदेशा बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत से आने वाले श्रद्धालुओं से $20 के सर्विस चार्ज की बात की तो यह स्पष्ट हो गया कि भिखारी ने भीख को सर्विस चार्ज कहना शुरू कर दिया है। इसी बाजार के द्वारा पाकिस्तान इतना धनोपार्जन कर सकता है कि वह भारत से आयात होने वाली साल भर की सब्जियां मुफ्त में पा सकता है। पर बात अभी उससे भी आगे है। श्रद्धालुओं द्वारा गुरुद्वारे में दी जाने वाली दान राशि पर भी पाकिस्तान सरकार का सीधा कंट्रोल रहेगा और उस राशि के एक बड़े हिस्से पर सरकार का नियंत्रण भी होगा। पाकिस्तान के अधिकारियों का अनुमान है कि पैसे वाला सिख समुदाय यहां आस्था के नाम पर हर साल कई 100 खरब रुपए दान के रूप में दे सकता है।
यहाँ हजारों लाखों कुंतल अनाज लंगर के नाम पर भेजा जा सकता है। इसके लिए भी पाकिस्तान सरकार बाकायदा पत्रों को छपवा रही है, यानी हिंदुस्तान खुद ही पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते तैयार कर रहा है, वे भी उस आस्था के नाम पर जिसके सामने दुनिया के सब नशे फीके हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।